और हम सभी के चहेते और हमारे आदरणीय पवन सिंह जी का भी आगमन इस मंच पे हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि एक जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दिया जाए। फील नहीं लगा है। जेंटलमैन, दोस्तों, आपके सामने हमारे सुपरस्टार पावर पैक वन एंड ओनली हमारे राजा भैया पवन सिंह जी। पवन भैया बहुत 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 स्वागत। और मैं कहना चाहता हूं, मैं पवन भैया का इतना बड़ा फैन हूं, मैं कहूंगा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का शेर है पवन सिंह सर। जब हम लिखते हैं गूगल पे भोजपुरी ट्रेंडिंग सुपरस्टार पवन सिंह, सबसे ज्यादा फेमस पवन सिंह, सबसे ज्यादा प्यार पवन सिंह, तो आज आप देखिए क्या बात है, ये प्यार है। कैसा लग रहा है भैया यहाँ पर आकर और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमार जितना भाई यहाँ पे बैठल बाड़ा जा, खड़ा बाड़ा जा, सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं, एगो ताली बजा के आशीर्वाद देता जा हो। भोजपुरी भाषा के बोले वाला, भोजपुरी भाषा के देखे वाला, सुने वाला के बीच में पवन अगर खड़ा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। लव यू भोजपुरी जी। हाँ, साउंड दादा, साउंड दादा, हाँ ये आपका है, ये सर का जो वोकल है साइड फिल्म में बढ़ाइए आप, सर का वोकल, ये जो माइक है सर का, हाँ इधर इधर साइड से पहले भीड़ हटाइए, वहाँ से वहाँ साइड की साइड फिल्म के पास कोई खड़ा ना रहे, इधर भी बॉक्स है, थोड़ा वोकल बढ़ाइए और बढ़ाइए, बढ़ा दिया बढ़ा दिया, और बढ़ा दीजिए, इनको लेवल चाहिए पूरा, हाँ और बढ़ाओ, मंच पे मॉनिटर में दे दो दादा। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, एक देखिए, अगर आप पवन भैया का कार्यक्रम एंजॉय करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको कार्यक्रम में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि
पवन सिंह जी सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, और साथ में हैं आपके फेवरेट अनुपमा यादव जी। तो पवन भैया, अब हम बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि जनता आपकी, आप जनता के, ये आप ही का प्यार है। आपको, हमको, हम सब भाइयों के बीच में रहना ही रहना। सही बात है। जय हो। मैं बस इतना कहूंगा कि थैंक यू सो मच अतुल भैया, जो इस खुशी के माहौल में आपने मुझे आमंत्रित किया और आप सब के बीच में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लव यू। और थैंक यू अन्नपूर्णा सेल्स। जियो। लव यू। आए रहिए। आप सब के बीच में अगर पवनवा आइल बा, अभी अभी तो हम लंदन से आई नहीं यहाँ फिल्म शूट करके, भाग भाग के आप सब के बीच में आवे के मौका मिलल बा। तो भैया हो, चार लाइन थोड़ा सा एक ठो माई के भजन बा, एकरा बाद हमारे भाइयों के जवन इच्छा होई यहाँ वही संगीत होगा। जय हो। साउंड वाले भाई साहब थोड़ा डिले बढ़ा दो। हेलो, थोड़ा डिले बढ़ा दीजिए। डिले डिले, हाँ, रिपीट रिपीट, हाँ, बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, कहाँ बैठे हो आप? सामने सामने। हेलो, हाँ, सामने आ से। हेलो, थोड़ा डिले बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा मॉनिटर पे भैया। हाँ, हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ाओ। हेलो हेलो, थोड़ा सा और। हेलो हेलो, बहुत गूंज रहा है यार। हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हेलो, जो आप डिले दे रहे हो ना, वो बाहर रिटर्न कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा मंच पे जो मॉनिटर लगाए हुआ, इस पे थोड़ा दे दो। आज मंचे पे बजाता कि हॉल में बजाता कहीं? हॉल में, हॉल में। बड़ी रिकॉर्डिंग भरी गलवा बैठ जाई। ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गे क्षमा शिवा धात्री, सहसदा नमस्ते। का छींक तरी धुआ धुआ। दो लाइन माई के भजन बा, कहे कि हमार माता बहन भी बैठल बनी जा। सही बात है। क्या भाव है? माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक धरवा, ओही डोली आके पढ़वा तहर, सोर भैया ओही डोली आके पढ़वा तहर, दुनिया में सोर भैया, माई डोली चढ़ी चलाली
चढ़ी चलाली अरे सेवक घरवा झुलुकी के चले देखिए ये संगीत आजीवन के लिए है। आनंद कभी कभी आता है। सही बात। एक कोलकाता में हमार भोजपुरी भाषा के बोले वाला का हमके इतना पता बा कहे कि हमारो जन्म ऐजे है। हमके लगा था कि हमारा पूरा गांव यहाँ खड़ा बा बैठल बा और अपने हम गांव के भैया चाचा के बीच में खड़ा बानी।